नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक पर बात करेंगे। कर्नाटक के नाटक का एक मंचन मंगलवार की शाम पूरा हो गया, लेकिन कौन जाने आगे और कितने मंचन होने बाकी हैं। 14 महीने सत्ता में रहने के बाद एसडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिर चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीएस येदुरप्पा अब मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ ही घंटे बाद संभव है कि उनको विधायक दल का नया नेता चुनकर राज्यपाल के यहां बकायदा वे लोग पहुंच जाएं और उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सियासत में बहुत सारे उलटफेर होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का क्या रवैया है, ये भी अभी देखना बाकी है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि विश्वास मत के दौरान कर्नाटक के 224 सदस्यीय सदन में 204 सदस्य ही मौजूद थे जब विश्वास मत हो रहा था। विश्वास मत पर कांग्रेस जेडीएस को सिर्फ 99 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े। अगर कुल 17 विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो कर्नाटक विधानसभा की सदस्य संख्या अब हो जाएगी 207, और नई सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तब सिर्फ 104 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और जानते हैं हम कि इससे ज्यादा सदस्य फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसी ये स्थिति में येदुरप्पा अगर सरकार बनाते हैं तो वाकई उनको बहुमत हासिल करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन उनके सरकार के स्थायित्व पर सवाल तो तब भी बने रहेंगे, क्योंकि जो विपक्षी हैं जिनकी सरकार को उन्होंने पलटा है वो भी कोशिश करेंगे कि उनको लंबे समय तक न रहने दिया जाए। लेकिन नाटक का एक दृश्य और है, और पता नहीं उसका मंचन कैसे हो, कहाँ हो। अब सोचना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कर्नाटक में नाटक का मंचन किया सफलतापूर्वक, बहुत भद्द पिटी, लेकिन इसके बावजूद देखना ये होगा, क्योंकि येदुरप्पा ने कहा ये डेमोक्रेसी की जीत है। अब सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी की, अगर डेमोक्रेसी यही है और डेमोक्रेसी की जीत यही है, तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं। वो ये कि वो जो 17 विधायक मुंबई ले जाए गए, जिनके बारे में कहा गया कि वो अपनी मर्जी से गए, अपनी वैचारिकी के कारण गए, क्या इस दरमियान उन 17 विधायकों ने कांग्रेस या जेडीएस, ये दोनों कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, इन्होंने भी बहुत सारे खेल किए हैं अतीत में, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, क्या कांग्रेस और जेडीएस के उन विधायकों ने अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी सरकार या उसके किसी भी नेता या किसी भी नीति पर कोई वैचारिक सवाल उठाया? क्या उन्होंने कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इश्यू के कारण उनसे असहमति जताई कि हम इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, विधायक दल से अलग होना चाहते हैं? उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता येदुरप्पा ने, कि वो तो जानते नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन सभी ने देखा, बंगलुरु के एयरपोर्ट पर देखा कि कैसे उन्हीं के दफ्तर के, उन्हीं के निजी सहयोगी बाकायदा टिकट से लेकर के और हवाई जहाज का प्रबंध कर रहे हैं। जिन होटलों में उनको टिकाया गया, उन होटलों में महाराष्ट्र की बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने इस प्रकार इंतजाम किया कि अगर कांग्रेस का नेता उन होटलों में कमरा भी बुक कराता है तो वो प्रवेश नहीं कर पाता, भले ही वो मुख्य वहां का एक कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो। डी शिव कुमार को होटल में कमरा बुक कराने के बावजूद रोक दिया गया कि वो अपने साथियों के साथ कहीं रात को या दिन में डायलॉग न करना शुरू कर दें, कहीं उनको कन्विंस न करना शुरू कर दें। तो ये हाल रहा। अब इसके बाद दोस्तों एक बड़ा संकट पैदा होता है, वो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की कामयाबी के बाद राजस्थान की ओर मुड़ेगी या मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों में अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना है, उसके लिए बहुमत की जो संख्या है, बहुमत जो उनका है सदन में, वो कोई बहुत बड़ी मार्जिन का नहीं है, किसी तरह मैनेज किया गया है। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जरूर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर रहेंगे।
दोस्तों एक पेच और फंसा हुआ है, और वो पेच क्या है कर्नाटक का? अभी तक वे जो विधायक हैं बंगलुरु लौटे नहीं हैं, और अगर बंगलुरु लौटे हैं तो जाहिर है वो लोगों की निगाह में नहीं है कि कहाँ हैं। अब एक तरफ उनका मामला स्पीकर के पास लंबित है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी उससे जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही है। विधायकों के बारे में दो बातें हो सकती हैं, या तो उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा या तो उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के जरिए इस मामले में 10th शेड्यूल के पालन के रास्ते में स्वयं ही थोड़ी अड़चन पैदा कर दी थी। वो अड़चन क्या थी? वो ये कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन विधायकों को जो बाहर हैं उनको विश्वासमत के दौरान सदन में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट का फैसला कुछ विचित्र माना गया, क्योंकि ये पार्टी व्हिप जारी करने के रास्ते में एक रोड़ा बनता है। फिर भी स्पीकर और उक्त दलों ने, दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को सदन में आने को कहा था। सवाल उठता है, क्या भारत का दल बदल विरोधी विधेयक? हम यहाँ आज एक कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में एक अलग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत का दल बदल विरोधी विधेयक बेमतलब हो चुका है? दल बदल विधेयक सबसे पहले सन 1985 में आया, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। उसी संशोधन के चलते भारत के संविधान में पहली बार दल या पार्टी का उल्लेख आया। इसके पहले हमारे संविधान में दल और पार्टी का उल्लेख नहीं था। बाद के दिनों में इसमें संशोधन हुए, वाजपेयी सरकार जब थी एनडीए की, पहली एनडीए की, तब भी इसमें संशोधन किया गया और कड़ा इसको और बनाया गया। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि दल बदल तो अब भी लगातार हो रहे हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है, तरीका बदल गया है। कर्नाटक तो आज हुआ, इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले गोवा में हमने देखा है कैसे सरकार बनी। मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, न जाने कितने प्रदेशों में हमने देखा है कि दल बदल विरोधी विधेयक के कानून के बावजूद संविधान की 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल जिसे कहते हैं, वो संविधान के मूल अनुच्छेद 102(2) और 191(2) से संबद्ध है। लेकिन 10th शेड्यूल की काट भी राजनीतिक दलों और हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निकाल ली है। जिन मुल्कों में, सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि जिन मुल्कों में वास्तविक लोकतंत्र है, क्या वहां पर इस तरह का कानून है दल बदल विरोधी विधेयक? क्या वहां दल बदल की ऐसी समस्या पैदा होती है? तो कहीं ना कहीं जो दल बदल है वो हमारी डेमोक्रेसी से जुड़ा मसला है। हमारी डेमोक्रेसी की जो हमारी डेमोक्रेसी जिस तरह की बनी है और जिस तरह उसको हमने उसको बनाया या बिगाड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। सवाल इस बात का है कि कर्नाटक में आज जिस तरह सरकार कल गिरी या गिराई गई, उस तरीके को दल बदल विरोधी कानून को बेमतलब बनाने का सर्वथा एक नया कौशल कहा जा सकता है। हमें इस बात का कोई, हमारे पास प्रमाण नहीं है कि किसके बीच में क्या लेन देन हुई, वो एक अलग मुद्दा है, या नहीं हुई। लेकिन सवाल इस बात का है कि सदस्य इस्तीफा का पत्र भेजकर कहीं चले जाएं और विश्वास मत के समय सदन में आए ही ना। कर्नाटक का ये नाटक चल ही रहा था, उसी समय लोगों का ध्यान कम गया कि देश के एक अपेक्षाकृत छोटे राज्य गोवा में दल बदल का अनोखा खेल हो गया। आया राम गया राम के लिए हरियाणा बदनाम है, लेकिन गोवा में क्या हुआ? गोवा में 15 सदस्यों का कांग्रेस विधायक दल अपने नेता यानी विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर सहित उसके 15 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 10 की संख्या कुल सदस्यों के 2/3 से ज्यादा थी। जाहिर है दल बदल विरोधी विधेयक उन पर नहीं लागू होता, कानून नहीं लागू होता, इसलिए यह कानून उनके लिए बेमतलब। मजे की बात है कि दल बदलुओं को दिल्ली में बुलाकर भाजपा मुख्यालय पर भव्य स्वागत किया गया, और 48 घंटे के अंदर इनमें 3 को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। चंद्रकांत तो बकायदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। जो विपक्ष के नेता थे, जो रोज सरकार को वहां पर भला बुरा कहते थे, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। दल बदल करने वालों में गोवा के कुछ कुख्यात लोग भी हैं।
इसलिए मैं कुख्यात कह रहा हूं कि इनमें कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और कुछ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही थी। पर न खाएंगे न खाने देंगे का नारा सबका साथ सबका भ्रष्टाचार में बदल जाएगा। बंगाल के मुकुल राय की तरह अब वे विधायक भी गोवा की भाजपा के रत्न बन जाएंगे। रत्न, बात सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है दोस्तों। अभी किसी जरूरत के बगैर तेलंगाना की टीआरएस जो सरकार है, टीआरएस के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने कांग्रेस विधायक दल से थोक के भाव दल बदल करा दिया, थोक के भाव। और भाजपा का दल बदल जो अभियान है वो दोस्तों सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है। नए चुनाव के बगैर राज्यसभा में अपना मेजॉरिटी, अपनी अपना बहुमत हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन दिनों जोरदार कोशिश कर रही है, ताकि वो भविष्य में, निकट भविष्य में जो प्रो कॉरपोरेट और हिंदुत्वा के पक्ष वाले जो कानून हैं, विधेयक हैं, कुछ बड़े फैसले हैं, उनको जल्दी से जल्दी संसद के दोनों सदनों से पारित करा सके। लोकसभा में उनको बहुमत है, वो बकायदे करा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी तक नहीं है। और यही कारण है कि टीडीपी के और समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सदस्यों को भी हाल में भाजपा में लाया गया है। सुनते हैं बसपा और कुछ अन्य दलों के भी कुछ और राज्यसभा के सांसद भाजपा में शामिल होने वाले हैं। बहुत दिन से कहा जा रहा है कि जल्दी ही होगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हरियाणा के आयाराम गयाराम के वक्त दल बदल के जिस सियासी धंधेबाजी के लिए कांग्रेस का दामन गंदा हुआ था, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, असम, बंगाल सहित अनेक राज्यों और केंद्र की राजनीति में लगातार कराए जा रहे दल बदल से भाजपा ने अपने मुंह पर कहीं उससे ज़्यादा काली पुतवा ली है। देखना है देश की जनता, देश का समाज और हमारा लोकतंत्र किस तरह इसको लेता है, किस तरह इसको देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।